हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आज आपको एक बड़े काम की चीज़ बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आप सभी को बार बार शायद ये सुनने में आ रहा होगा कि वोटर कार्ड आपके लिए हर जगह ज़रूरत पड़ेगी। अब तो मतदाता पहचान पत्र और वोटर कार्ड एक ही चीज़ है और इसी के साथ आप अपना जो वोट है वो डाल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, साथी ऐसे होंगे जो भी हाल ही में वोटर कार्ड बनवाने के योग्य हुए होंगे, यानी कि जिन्होंने 18 साल अपनी कंप्लीट की होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे आप अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं, आपको पूरा प्रोसेस मोबाइल पर हो जाएगा। पूरा फॉर्म आपको मोबाइल से मैं भर के दिखाऊँगा कि आप 5 मिनट में वोटर कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ktdtjobnews.com इस साइट पर आ जाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई वोटर कार्ड ऑनलाइन एट होम 2019। तो 2019 की लेटेस्ट अपडेट है ये, 7 अप्रैल को ये वीडियो बन रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वोटर कार्ड, यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो इस प्रकार का वोटर कार्ड होता है। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स वोटर कार्ड भी आए हुए हैं, जो प्लास्टिक वाले होते हैं वो भी आए हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, यदि आप वोटर कार्ड या मतदाता पहचान पत्र अपने घर बैठे अप्लाई करना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो उसके बारे में इस पोस्ट में पूरी डिटेल आपको देने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा क्या क्या कागज़ आपको चाहेंगे और आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वोटर कार्ड यानी कि मतदाता पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ये बनाया जाता है। तो वो जो वोटर कार्ड हमारा होता है वो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। इसमें 18 वर्ष से ज़्यादा के कैंडिडेट होने जरूरी है। तो इसमें क्या 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 डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो, एक आयु प्रमाण पत्र हो और एक एड्रेस प्रूफ हो, एक आयु डिक्लेरेशन फॉर्म होता है दोस्तों वो आपके पास होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ें आप अपने मोबाइल में, जैसे आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो का फ़ोटो खींच के रख लीजिए, आयु प्रमाण पत्र आपके पास कोई मार्कशीट है जो भी है उसका फ़ोटो खींच लीजिए, पते का एक प्रमाण पत्र का उसका फ़ोटो और एक आयु डिक्लेरेशन का फॉर्म, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप ये डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने मोबाइल में फ़ोटो के माध्यम से स्टोर कर सकते हैं ताकि आप आगे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकें, ठीक है। अब बात आती है कि जो आयु प्रमाण पत्र यहाँ पे मांगे गए हैं उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चल सकते हैं। तो आयु प्रमाण पत्र के लिए आपके पास जन्म पत्री है तो वो चल जाएगी, आपकी 8वीं या 10वीं कक्षा की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ सही लिखी है वो चल जाएगी, पासपोर्ट है आपके पास वो चल जाएगा, पैन कार्ड आपके पास वो चल जाएगा डेट वेरीफाई करने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास वो चल जाएगा, आधार कार्ड आपके पास वो भी चल जाएगा। इन 6 कागज में से एक कागज आपके पास होना चाहिए आयु को प्रमाणित करने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं पता प्रमाण पत्र के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पता प्रमाण पत्र के लिए आप नीचे जो ये दिए हैं मैंने 8 पॉइंट, इनमें से एक डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट आपका चल जाएगा पते के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, राशन कार्ड चल जाएगा, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर चल जाएगी, रेंट एग्रीमेंट चल जाएगा, बिजली का बिल चल जाएगा, पानी का बिल चल जाएगा और टेलीफोन का बिल चल जाएगा दोस्तों पते के प्रमाण के लिए, ठीक है। तो हमें एक एज प्रूफ में मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिए कि किन में से आपको एक चाहिए, और ये थे हमारे एड्रेस प्रूफ में से जिनमें से आपको एक चाहिए, ठीक है। जो एज डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है, आयु डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है, उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि अप्लाई कैसे होता है वोटर कार्ड के लिए। तो वोटर कार्ड के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको ऑनलाइन का प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आपको पूरा फॉर्म मैं भर के दिखाऊंगा। अब आगे डाउनलोड एज डिक्लेरेशन फॉर्म, यहाँ पर क्लिक करके आप जो एज डिक्लेरेशन फॉर्म है, आयु डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अब तैयार हैं, मोबाइल में स्कैन आपने कर रखे हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ऑफिशियल साइट पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप वोटर कार्ड बनाने की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप वोटर कार्ड बनाने की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको अप्लाई करने का लिंक पे लेके चलता हूँ। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक मैंने कर दिया है।
तो यहाँ पर देखिए नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल यहाँ पे ओपन हो चुकी है, NVSP, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल। ठीक है, ये हमें एक फॉर्म नंबर 6 भरना होता है वोटर कार्ड बनवाने के लिए, और ये किसको जाता है ये आप देख सकते हैं, टू द इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको आपका क्षेत्र सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं एक बार डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अपना है हरियाणा। ठीक है, और उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, मैं कर लेता हूँ हिसार। ठीक है, उसके बाद अब आपको अपना पार्लियामेंट क्षेत्र चुनना है, तो मैं यहाँ पे हिसार करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, एज ए फर्स्ट टाइम वोटर, यदि आप पहली बार वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करोगे, ठीक है इसी को, और यदि आप एक जगह से दूसरी विधान यानी अपने क्षेत्र चेंज हुआ है तो यहाँ पर आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहली बार वोटर करने वाला हूँ तो पहली बार वाले ऊपर वाले लिंक पर ही क्लिक करूँगा। उसके बाद में है दोस्तों यहाँ पे नाम लिखना आपको, ठीक है, तो नाम लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पे राजेश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो नीचे इन ऊपर हमें इंग्लिश में लिखना है, नीचे ऑटोमेटिक आपका हिंदी में नाम आ जाएगा, आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आ जाएगा। ठीक है, और यदि आपका नाम सही नहीं आता है हिंदी में तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसे ठीक भी कर सकते हैं। आपका कोई सरनेम है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेम ऑफ रिलेटिव ऑफ एप्लीकेंट, तो दोस्तों आप यहाँ पे अपने फादर का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पृथ्वी। ठीक है, नीचे आ गए अपने ऑटोमेटिक। यदि अब आप यानी आपको एक स्पोर्ट में एक वोटर कार्ड आपको लगाना है यानी बताना है, तो उसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है पृथ्वी, जो मेरे पिताजी का नाम है। उसके बाद में टाइप ऑफ रिलेशन, आपका रिलेशन क्या है, आपके पिता है वो, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद में है दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी एज बतानी है, 1 जनवरी ऑफ करंट कैलेंडर ईयर। ठीक है, तो मैं इसकी बजाय यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डायरेक्ट अपनी एज डाल देता हूँ मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आपको यहाँ पे अपनी एज डालनी है दोस्तों। अब आप यह कैलेंडर आप ओपन करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप कैलेंडर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए जो आपका कैलेंडर है वो यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम 2000 कर देता हूँ मैं, और 30 तारीख, ठीक है, 30/1/2000। उसके बाद में आपको जेंडर ऑफ एप्लीकेंट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आ गया, आपको एड्रेस डालना है अपना करंट एड्रेस, तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाउस नंबर कितना है आपका, तो मैं यहाँ पे 400 लिख देता हूँ। और उसके बाद में आपको क्या करना है, स्ट्रीट बतानी है, नियर क्या है आपके, तो नियर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, विश्वकर्मा मंदिर लिख देता हूँ। ठीक है, नीचे आपका हिंदी में अपने आप आ जाएगा। और उसके बाद में आपको गांव का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिसार ही लिख देता हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, उसके बाद में पोस्ट ऑफिस, तो वो भी मैं हिसार लिख देता हूँ। आपको अपनी डिटेल सही डालनी है दोस्तों, पिन कोड क्या है आपका, तो मैं डाल देता हूँ 12501, हो गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक आ गया है, और यदि आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो सेम एज अबव पे क्लिक कर दीजिए। अब ठीक है, आपके नीचे वाले जो कॉलम है अपने आप ये उठा लेगा फिर। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों एक आपको जो ऊपर आपने जहाँ पे रिलेटिव आपने सेलेक्ट किया था,
नाम डाला था, आप उसका वोटर कार्ड, यहाँ पे जो नंबर होता है एक वोटर कार्ड का, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये नंबर आपको वहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपकी ये चीज़ कंपलसरी नहीं है। यदि आपके पास कोई डिसेबिलिटी है भाई, आप विजुअल हैंडीकैप है, मतलब हैंडीकैप के लिए ये ऑप्शन है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, और ये ऑप्शनल है दोस्तों, ठीक है। आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना मत डालिएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये जो नंबर है, ये कोशिश कीजिएगा कि ये ज़रूर डालें, ताकि उसको प्रेफर करके आपकी वेरिफिकेशन हो सके। उसके पास कोई कॉल वॉल कुछ नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं उसके बाद में। अब हमारे डॉक्यूमेंट की बात आती है दोस्तों। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे, फोटो, तो आपको फोटो अपलोड करना है दोस्तों यहाँ पे। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है आपकी फाइल में से, जैसे मैं कर लेता हूँ मेरा फोटो, ये है भाई, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन ही है दोस्तों, जो साइज है आपका वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं यही कर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये हमारा फोटो हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपको एज प्रूफ लगाना दोस्तों, तो एज प्रूफ में मैं यही लगा देता हूँ। आपको अपनी जन्म पत्री, जो भी मैंने आपको बताए थे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, वो आपको लगाने हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपने क्या अपलोड किया है जन्म आयु के लिए, तो मैं यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में एड्रेस प्रूफ आपको लगाना है दोस्तों, यहाँ पे एड्रेस प्रूफ देख लेते हैं। एड्रेस प्रूफ भी आप यहाँ पे लगा देता हूँ मैं यही। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इनमें से कि आपने एड्रेस प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया, तो मैं राशन कार्ड अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी डिटेल डालनी है दोबारा से, जो भी आपने हिसार है, ठीक है। स्टेट कर लेना आपको सेलेक्ट, उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, और फिर आपको यहाँ पे बताना है कि आप कितने समय से यहाँ पर रह रहे हो जहाँ का आपने अभी एड्रेस दिया है। यहाँ पे देखिए, आई एम रेजिडेंट एट द एड्रेस गिवन एट द अबाउ सिंस, कि मैं इस एड्रेस पर इतने इस टाइम से रह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे अपनी जो एज है वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं 2000 से यहाँ पे 2005 से इसी पते पर रह रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जहाँ से आपने अप्लाई किया है, जैसे मैं हिसार एरिया का हूँ तो हिसार यहाँ पे डाल देता हूँ, प्लेस। नीचे यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक आ चुकी है, ठीक है। और उसके बाद में आपको ये कैप्चा यहाँ पे है ना, ये कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, तो क्या है ये 0 8 6 और 3 6, ठीक है दोस्तों, कैप्चा हमने डाल दिया है। ये सारी चीज़ें हमने सही तरीके से डाल दी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है, सबमिट पे। दोस्तों यहाँ पे आपने शायद, मैंने आपको बताया था कि एज डिक्लेरेशन फॉर्म आपको चाहिएगा, तो ये आपको कब चाहिएगा, यदि आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है तो आपको एज डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत पड़ेगी। जो मैंने आपको लिंक दिया था डिस्क्रिप्शन में, एक डाउनलोड करने का, एक कागज़ फॉर्मेट है वो डाउनलोड करने का, मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा, यदि हो जाता है तो वो डेट चेंज करके देखता हूँ मैं, कहाँ है डेट ऑफ बर्थ, एक बार मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करता हूँ, देखता हूँ उसके बाद में ये आता है या नहीं आता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1994 कर दिया है। अब देखते हैं दोस्तों, वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया एज डिक्लेरेशन, पहले ये नहीं आ रहा था,
जब आप 21 साल से ज़्यादा करते हो एज आपकी, तो आपसे ये डिक्लेरेशन फॉर्म मांगता है। और इसका लिंक मैंने आइटम पहले ही आपको जो लिंक है वहाँ पे अप्लाई करने का लिंक था वहाँ पे दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करके आप उस लेटर को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना, 21 साल से ज़्यादा एज है तो आपकी यहाँ पे एज डिक्लेरेशन फॉर्म मांगेगा, अदरवाइज नहीं मांगेगा। उसके बाद हमने सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर कर दी है और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों घर बैठे आप अपने मोबाइल से अपने जो वोटर कार्ड है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, थैंक यू फॉर सबमिटिंग फॉर्म ऑन NVSP, योर फॉर्म रेफरेंस आईडी इज दिस। ठीक है दोस्तों, ये आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हो गया तैयार आपका। यदि आपको चेक करना है बाद में तो ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। आपको ये रेफरेंस आईडी वहां पर डालनी पड़ेगी, आपको ये स्टेटस दिखा देगा, ठीक है। मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ कि अभी वाला ये अप्लाई वाला काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो दोस्तों मैंने इस रेफरेंस आईडी को नोट कर लिया है और उसके बाद ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करता हूँ मैं, देखते हैं डाल के यहाँ पे क्या दिखाता है। तो यहाँ पे OOM F 53 17-14 665, ठीक है दोस्तों। और ट्रैक स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नीचे हमारी डिटेल आ गई है और यहाँ पे देखिए सबमिटेड डेट आपकी यहाँ आ गई। उसके बाद में BLO अपॉइंटेड यहाँ पे आपको दिखाएगा डेट, जब ये अगले स्टेटस, फिर ये डेट दिखाएगा अगले स्टेटस पे पहुँचने के बाद, और यहाँ पे सबमिट होने के बाद, एक्सेप्ट होने के बाद आपका जो वोटर कार्ड है वो आपका 5-7-10 दिन में आपका जो BLO है वो आपके घर खुद पहुँचाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप अपना जो वोटर कार्ड है वो घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस एक यही अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, फिर भी आपको किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करूँगा। तो ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।